आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज दिन भर हमें संभाला, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया और ये समय परमेश्वर शाम के समय प्रभु हमारे जीवन में ये समय लेकर आया कि हम उससे प्रार्थना करें। तो आइए हम सब परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। मत्ती 6 उसका 31 और 32 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमेन। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। सच में आप अच्छे हैं, भले हैं और करुणामय परमेश्वर हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं प्रभु और विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है पिता। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए प्रभु, और तीसरे दिन प्रभु जी आप हमारे लिए मुर्दों में से जिलाए गए परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आपने हमारे पापों की क्षमा हमें दी प्रभु और एक हमें नया जीवन दिया, क्योंकि प्रभु मार्ग सत्य और जीवन आप है परमेश्वर। हम आपकी तारीफ आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं आज उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी अपने फ्यूचर की टेंशन्स में है परमेश्वर, अपने फ्यूचर के लिए प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं परमेश्वर पिता। आप उनके फ्यूचर की टेंशन को पिता परमेश्वर प्रभु दूर करें परमेश्वर पिता, उनकी चिंताओं को आप ले लीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हें किस समय पर पिता, क्योंकि समय आपका है परमेश्वर। आप उनके लिए भले रास्तों को, भले मार्गों को बनाए परमेश्वर पिता। प्यारे पिता जो लोग अपनी बीमारी की चिंता करते हैं कि हम कब चंगे होंगे, हमारे जीवन में कब चंगाई आएगी, कब ये बीमारी हमारे जीवन से दूर होगी, और वो अपने ठीक होने के लिए चिंतित हैं परमेश्वर, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए चिंतित हैं परमेश्वर, प्रभु होने दे प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दे, आप उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, और इस चिंता से प्रभु उन्हें बाहर निकाल कर परमेश्वर आप उन्हें और उन्नति दे परमेश्वर पिता, आप उन्हें उनके जीवन में बढ़ोतरी दे, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी अपनी स्टडीज की टेंशन करते हैं, अपने एग्जाम की टेंशन करते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टेंशन करते हैं परमेश्वर पिता, उन सारी चिंताओं को यीशु आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ आप उन्हें प्रदान करें, आप उन्हें उन टेस्ट को क्वालिफाइड करने की बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु जो तैयारी करते हैं परमेश्वर, उस तैयारी के अनुसार परमेश्वर पिता वो प्रभु उन सारी टेस्ट को क्वालिफाइड करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये सारी चिंताओं को, जो अपनी चिंताओं में है परमेश्वर, वो सारी चिंता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, कि इन चिंताओं से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता, और प्रभु उन्हें उत्तम रीति से प्रभु सक्सेस होने में, एग्जाम को अच्छे से देने में मदद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो अपने घर के लिए टेंशन में है प्रभु पिता, अपने बच्चों के फ्यूचर के टेंशन में है परमेश्वर। प्रभु आप उनके लिए उत्तम घर को बनाए परमेश्वर पिता, आप उनके लिए परमेश्वर उत्तम योजनाओं को बनाए प्रभु, आप उनके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करे परमेश्वर। प्रभु जो घर और परिवार की टेंशन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हर एक चिंता उनके जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर फाइनेंशियल नीड से चिंतित है परमेश्वर, कर्जों में चिंतित है परमेश्वर कि हम कर्जा कैसे दे पाएंगे, कैसा ये कर्जा हमारा हमसे निपट पाएगा परमेश्वर पिता। आप उनके कर्जों को उनके जीवन से दूर करें प्रभु, ये चिंता जो उनको खाई जा रही है प्रभु यीशु, आप उन्हें प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु इस चिंता से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु कि उन्हें किस समय पर किस वस्तु की आवश्यकता है परमेश्वर। हर एक कर्जा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो अपनी शादी की चिंता में है प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप उन्हें एक राइट समय पे एक लाइफ पार्टनर दे प्रभु, ताकि वो आपके नाम की महिमा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो सारी चिंताओं को आप ले लीजिए परमेश्वर पिता।
क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम व्यर्थ चिंता ना करो, परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताओं को डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु जी हम इन सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता, जो अपने लिए गर्व की आशीष को पाने के लिए प्रभु चिंतित है, परमेश्वर संतान के लिए चिंतित है परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हर एक चिंता उनके जीवन से दूर करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से गर्व की आशीषों की ब्लेसिंग्स उन्हें देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग रात को अच्छे सो नहीं पाते हैं, चिंताओं में रहते हैं, दिन भर अपने परिवार की लड़ाई झगड़ों की टेंशन्स में रहते हैं परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु वो हर एक लड़ाई झगड़े उनके जीवन से चले जाएं। हर एक जो अपने रिलेशनशिप के लिए चिंता करता है प्रभु, वो उनके रिलेशनशिप को आप बनाए प्रभु, उन चिंता से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि इसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दे दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।